नमस्कार दोस्तों, हमने हमारी पिछली क्लास के अंदर डिजिटल मॉड्यूलेशंस के बेसिक्स के बारे में पढ़ा था, जिसके अंदर हमने कंटिन्यूस मॉड्यूलेशंस के बारे में पढ़ा था, डिजिटल मॉड्यूलेशंस के बारे में पढ़ा था, और साथ में बेस बैंड मॉड्यूलेशंस क्या होता है, पास बैंड मॉड्यूलेशंस क्या होता है उसके बारे में पढ़ा था, और बेस बैंड मॉड्यूलेशंस के अंदर पल्स एनालॉग और पल्स डिजिटल क्या होता है। आज हम कुछ पल्स एनालॉग और पल्स डिजिटल मॉड्यूलेशंस के बेसिक्स के बारे में देखेंगे और कुछ डिजिटल कम्युनिकेशंस के अंदर जो बेसिक चीज़ें काम आती है उनके बारे में देखेंगे, क्योंकि उनको अगर पता हमें नहीं हो पाएगा तो हमको ये सब्जेक्ट समझने के अंदर थोड़ी प्रॉब्लम होगी। जैसे सिग्नल क्या है, सिग्नल को टाइम डोमेन में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ये सारी चीज़ें जानने से हमको इस सब्जेक्ट के बारे में जो अंडरस्टैंडिंग होगी वह बहुत अच्छे से हो पाएगी। जैसे अगर हम बात करें कंटिन्यूस मॉड्यूलेशंस की बात करें, तो कंटिन्यूस मॉड्यूलेशंस के अंदर हमारा कोई भी प्रैक्टिकल लाइफ सिग्नल जिसको हम देखते हैं, करते हैं, सुनते हैं, तो उनको जनरली हम जो रिप्रेजेंट किया जाता है MFT से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो कि एनालॉग नेचर होने के हिसाब से हम उसको जनरली एनालॉग फॉर्मेट में करते हैं। उसी का अगर हम बात करते हैं कंटिन्यूस मॉड्यूलेशंस के अंदर हमारी हाई फ्रिक्वेंसी कैरियर का, तो वो भी एक एनालॉग सिग्नल ही है, एनालॉग और कंटिन्यूस नेचर का ही है, बट फ्रिक्वेंसी का फ़र्क है। वो हाई फ्रिक्वेंसी कैरियर होता है इसलिए उसकी फ्रिक्वेंसीज हाई होती है। फिर हम ये देखते हैं कि जो अभी हमने सिग्नल MFT देखा है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल देखा है, उसको अगर फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर अपन रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में जनरली इस प्रकार से कुछ रिप्रेजेंट किया जाता है ट्रायंगुलर फॉर्मेट के अंदर। और ये रिप्रेजेंट करने का कोई एक स्पेशल ऐसा कोई तरीका नहीं, हम इस चाहे तो इसको एक रेक्टेंगुलर के फॉर्मेट में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या एक पैराबोलिक फॉर्मेट में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम के अंदर किसी सिग्नल को रिप्रेजेंट करने का जो सिर्फ रीज़न होता है वो उसे ये ज्ञात करना होता है कि उस सिग्नल के अंदर कितने मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स प्रेजेंट है, या FM का जो मान हम जो बात करते हैं, हमने सैम्पलिंग थ्योरम में भी बात की, नाइक्विस्ट में भी बात की, उसके बारे में हम जान सकते हैं। यह जो हमारा फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम आप देख रहे हैं, ये बेस बैंड और लो पास सिग्नल का जो हमने फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम बनाया है, यह दिस कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू ओनली वायर्ड चैनल और बेस बैंड और लो पास चैनल ओनली, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसीज लो ही है। और अगर मान लो इसी फ्रीक्वेंसी को अगर अपन बेस बैंड बोलने का रीज़न एक ये भी है कि इसकी फ्रीक्वेंसीज कम है, इसी प्रकार हम यहाँ नीचे एक सिग्नल हमारा कैरियर का और देखते हैं, जिसके अंदर हमने एक फ्रीक्वेंसी डोमेन स्केल के ऊपर हमने दो सिग्नल, एक ये हमारा बैंड पास सिग्नल है और दूसरा जो हमने अभी यहाँ पर बनाया है इसको हम बोलते हैं बैंड पास सिग्नल। बैंड पास बोलने का रीज़न क्या है कि एक तो ये बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसीज है और ये कुछ हाई फ्रीक्वेंसीज है जो कैरियर FC है, FC से FC+ FM और FC-FM पर सेंटर्ड है। बेस बैंड सिग्नल कैन बी डायरेक्टली ट्रांसमिटेड थ्रू वायर चैनल, डायरेक्टली हम वायर से कर सकते हैं क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसीज लो होते हैं। ओनली सो दैट वायर चैनल इज ऑल्सो कॉल्ड एज बेस बैंड और लो फ्रीक्वेंसी या लो पास चैनल। बैंड पास सिग्नल कैन बी डायरेक्टली ट्रांसमिटेड थ्रू फ्री स्पेस और फ्री स्पेस इज ऑल्सो कॉल्ड एज बैंड पास चैनल। जो बैंड पास सिग्नल है उनको हम एयर के अंदर डायरेक्टली ट्रांसमिट कर सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा एयर है वो जनरली हमारा बैंड पास फिल्टर की तरह काम करता है। उदाहरण के तौर पर हम जो भी FM के जो सिग्नल्स होते हैं वो वायर्ड ना होकर वायरलेस से हमारे मोबाइल के जो सिग्नल से, हमारे ब्लूटूथ के सिग्नल जो भी है, जो वाईफाई के हैं, ये हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल से और जनरली ये एयर के अंदर ही ट्रेवल करते हैं। जो पिछले अभी अपने टॉपिक में PM PPM पल्स एनालॉग मॉड्यूलेशन के बारे में देखा, तो कुछ इनका भी बेसिक डिस्कस करते हैं और इसके बाद में जो अपन टॉपिक लेंगे दैट इज PCM, क्योंकि इनकी अंडरस्टैंडिंग के बिना PCM सिस्टम पर डायरेक्ट आना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है समझने के अंदर और करने के अंदर। तो हम स्टार्ट करते हैं पल्स एनालॉग मॉड्यूलेशन के बारे के अंदर। पल्स एनालॉग के अंदर हमारा कंटिन्यूस टाइम सिग्नल जो हम यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हमारा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल MFT जिसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं, और CFT क्योंकि पल्स एनालॉग की बात कर रहे हैं तो हमारा जो कैरियर होगी वो पल्स ट्रेन के रूप के अंदर ही होगी। अब इसके बाद डिस्कस करते हैं PAM, PWM और PPM, PAM पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशंस। जो हमने हमारा कैरियर देखा था, ये जो कैरियर है ये कैरियर सिग्नल के एम्पलीट्यूड के हिसाब से हमारा पल्स ट्रेन्स का जो एम्पलीट्यूड है वो वेरी करेगा, उसको हम PAM कहते हैं, जो कि हम देख सकते हैं हमारा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल जो भी है उसके एम्पलीट्यूड के हिसाब से जो हमारे पल्सेस जो है उनका एम्पलीट्यूड वेरी करेगा, इसलिए हम यहाँ पर इसको बोलते हैं पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशंस।
दैट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर सिग्नल इज वेरीड विद रेस्पेक्ट टू द कंटिन्यूस टाइम सिग्नल. सिमिलरली हम बात कहते हैं पल्स विड्थ मॉड्यूलेशंस. पल्स विड्थ मॉड्यूलेशंस के अंदर जो विड्थ होती है, पल्सेस की जो विड्थ है, जो ये हमारी है, ये वेरी करती है किसके एक्सपेक्ट में, कंटिन्यूस मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के हिसाब से. तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो पल्स की जो विड्थ होगी वो वेरी करेगी हमारा इस कंटिन्यूस टाइम सिग्नल के एम्पलीट्यूड के हिसाब से, और इसी के लिए हम यहाँ पर क्या कहते हैं, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन. एक चीज़ और यहाँ जानने लायक ये है कि PWM के अंदर जो पल्सेस का जो एम्पलीट्यूड है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, जो कि आप देख सकते हैं सभी पल्सेस का जो एम्पलीट्यूड है वो कांस्टेंट है. दैट इज, और वेरी क्या कर रही है, पल्स की विड्थ. पल्स की विड्थ किसके हिसाब से वेरी कर रही है, एम्पलीट्यूड ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल. फिर हम थर्ड बात कहें पल्स पोजिशन मॉड्यूलम, दैट इज PPM. अब इसके अंदर भी पल्सेस का एम्पलीट्यूड क्या रहेगा, सब में कांस्टेंट रहेगा, बट पल्सेस की जो वर्ड कहता है पोजीशन, जो पल्सेस की जो पोजीशन है वो वेरी करेगी किसके अनुरूप, जो हमारा कंटिन्यूस टाइम सिग्नल है उसके एम्पलीट्यूड के हिसाब से. तो लो एम्पलीट्यूड के अंदर हमारी पल्सेस की जो पोजीशन ये यहाँ पर कम है, और जैसे जैसे एम्पलीट्यूड बढ़ता जाएगा, यहाँ पर एम्पलीट्यूड अगर ज़्यादा है तो सेंट्रल लेवल से पल्सेस की जो पोजीशन है वह ज़्यादा वेरी करेगी, जो हम देख सकते हैं ये जो एरो है ये पल्सेस की पोजीशंस को बताता है. फिर हम एक जर्नल चीज़ देखते हैं कि हमारा कोई, हम मॉड्यूलेशंस की एक जर्नल थ्योरी देखते हैं कि कोई भी मॉड्यूलेटर होता है उसके इनपुट के अंदर हम दो चीज़ें देती है जनरली, एक तो हमारा कंटिन्यूस टाइम सिग्नल या मॉड्यूलेटिंग सिग्नल जिसको बोलते हैं, और जो कि लो फ्रिक्वेंसी का होता है, और दूसरी हम इसको जो दी जाती है वह चीज़ होती है हमारी हाई फ्रिक्वेंसी कैरियर, जिसको जनरली CT से अपन रिप्रेजेंट करते हैं. इसके बाद में हम देखा जाता है कि यह दो चीज़ें अगर हमारे, हमने पल्स मॉड्यूलेटर के अंदर एज एन इनपुट दी है, तो हमारा जो फाइनल जो प्रोडक्ट जो हमको मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, मॉड्यूलेटेड सिग्नल. और मॉड्यूलेटेड सिग्नल की खासियत क्या है, हमें फाइनल आउटपुट क्या मिलेगा, मॉड्यूलेटेड सिग्नल. यहाँ पर भी अपन देख सकते हैं यह हमारी अगर कोई पल्स ट्रेन है जिसकी पल्स विड्थ टाउ है, और इसको अगर अपन ने किसी मॉड्यूलेटर से पास किया होगा 20 बैंड सिग्नल के द्वारा, और फिर हमने इसको 20 बैंड चैनल के द्वारा पास किया है, ठीक है, तो यह हमारा पल्स मॉड्यूलेटर की परिभाषा है. इसके आगे हम देखते हैं इन पल्स मॉड्यूलेटर स्कीम पल्स बाय पल्स ट्रांसमिशन विल बी अकर्ड. फिर ईच ऑफ द पल्स टू बी ट्रांसमिटेड क्रॉसपॉन्डिंग टू द बेस बैंड सिग्नल एंड कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू बेस बैंड चैनल ओनली, दैट इज हम वायर से भी इन पल्सेस को, जो हम पल्स एनालॉग मॉड्यूलेशंस की है, उनकी पल्सेस को अपन ट्रांसमिट कर सकते हैं किसके द्वारा, नॉर्मल वायर के द्वारा भी अपन ट्रांसमिट कर सकते हैं. अभी तक जो हमने डिस्कस किया है वह हमारा पल्स एनालॉग था, अब हम डिस्कस करते हैं हमारा पल्स डिजिटल मॉड्यूलेशंस के बारे में, जो कि हमारा बेसिक. इसके बाद के अंदर हम PCM सिस्टम्स को डिस्कस करेंगे. तो पल्स डिजिटल मॉड्यूलेशंस के अंदर आर यूज्ड टू कन्वर्ट गिवन कंटिन्यूस सिग्नल टू द डिजिटल सिग्नल इक्विवेलेंट. पल्स डिजिटल मॉड्यूलेशंस के अंदर जो भी हमारा कैरियर है, जो कि हम वापस यही बात करते हैं इस कैरियर की, ये हमारा MFT है. इस कैरियर को अगर हम किसी भी पल्स डिजिटल मॉड्यूलेटर से पास करते हैं, एग्जांपल के तौर पर हम PCM की बात करते हैं, DPCM की बात करते हैं, तो आउटपुट हमें क्या मिलता है, 1010, दैट इज डिजिटल सिग्नल हमको एज एन आउटपुट मिलता है. एक मोटे मोटे तौर पर हमारी जो समझ, हमको समझने के लिए हम जो बात कर रहे हैं वो ये चीज़ अपन बात कर रहे हैं. इसके बाद में जो अपन डिस्कस करना चाहते हैं कि द डिजिटल कोड जनरेटेड, जो डिजिटल कोड हमारा जनरेट हुआ है, कैन बी ट्रांसमिटेड बाय कन्वर्टिंग इट इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल. हम इस 0101 को इलेक्ट्रिकल सिग्नल पर भी ट्रांसमिट कर सकते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट कोड्स अवेलेबल लाइक NRZ, ऑन ऑफ कीइंग. ये अलग अलग प्रकार की टेक्निक्स है, सिग्नलिंग टेक्निक्स है, इनके द्वारा हम सिग्नल को डिजिटल में वापस कन्वर्ट कर सकते हैं. उदाहरण के तौर पर अगर 1010 को अगर अपन ने NRZ कोड दिया, NRZ बोले तो नॉन रिटर्न टू जीरो, मतलब 1 को अपन 5 वोल्ट से रिप्रेजेंट करेंगे और 0 को -5 वोल्ट से, क्योंकि बीच में नॉन रिटर्न, 0 पे रिटर्न आपको नहीं करना है.
तो हमारे पास जो पल्स ट्रेन मिलेगी प्लस फाइव और माइनस फाइव के बीच की हमको पल्स ट्रेन मिल जाएगी। उसके बाद में अपन देखते हैं इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट जो हमको यहाँ पर मिल चुका है, ये जो हमको मिला है ये 1010 की हमको पल्स ट्रेन मिली है। ये है इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट ऑफ बाइनरी सिग्नल, मीन्स टू से हम ये कह सकते हैं कि ये हमें जो मिला है यह इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट है किसका, इस बाइनरी कोड का। जो बाइनरी 1010 दिख रहा है वो इलेक्ट्रिकली हम देखा जाए तो इस प्रकार से कुछ दिखेगा, राइट। अब इसका लास्ट चीज देखते हैं, पल्सेस आर, जो पल्सेस होती है आर बेस बैंड सिग्नल, मतलब लो बेस बैंड का मतलब क्या, बेस से स्टार्ट होती है उसका बैंड, जो बैंडविड्थ की बात करते हैं लो होती है, कम है, लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल्स होते हैं, एंड हैंस ट्रांसमिटेड थ्रू वायर चैनल्स और बेस बैंड चैनल। बेस बैंड सिग्नल बोलो या बेस बैंड चैनल बोलो, इसका एक सिंपल शाब्दिक अर्थ है कि यह लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल है। दैट इज अगर हम बात करें, अगर मैं शब्द बोलता हूँ अगर मैं वर्ड काम में लेता हूं कि बेस बैंड सिग्नल, इसका एक सीधा सा शाब्दिक अर्थ है और ये शाब्दिक अर्थ यह है कि यह लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल से, और लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल की खासियत क्या है, हम बार बार कह चुके हैं, देख चुके हैं कि लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल को तार से भी या किसी भी वायर चैनल से आप ट्रांसमिट कर सकते हो, और किसी भी हाई फ्रिक्वेंसी कैरियर को अगर हमको ट्रांसमिट करना है तो इसके लिए हमको एयर की रिक्वायरमेंट रहेगी या पास बैंड चैनल की रिक्वायरमेंट रहेगी। उस पास बैंड चैनल को जनरली हम बोलते हैं, हम बार बार ये चीज़ को बोल रहे हैं, वो एयर होती है। फिर इसी की बात की अपन बात की जाए कि ये एक बेस बैंड सिग्नल है तो इसकी पल्स विद टाउ है, और इसका अगर अपन फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम देखा जाए तो ये इसका बेस बैंड सिग्नल लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल आएगी, और इसको बेस बैंड चैनल दैट इज वायर से हम आसानी से पास कर सकते हैं। द इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट ऑफ द बाइनरी सिग्नल विल बी बेस बैंड इन नेचर एंड कैन बी ट्रांसमिटेड डायरेक्टली थ्रू वायर चैनल। अब अगर हमारे पास सिग्नल, हमारा डिजिटल सिग्नल अगर हाई फ्रिक्वेंसी का कैरियर, हाई फ्रिक्वेंसी का है, तो उसको हम आसानी से वायर पर ट्रांसमिट नहीं कर सकते। उसको ट्रांसमिट करने के लिए हमको जो रिक्वायरमेंट रहेगी वह रहेगी बाइनरी सिग्नलिंग या MRE सिग्नलिंग की। ये सिग्नलिंग टेक्निक तो है, बट कहने का मतलब ये है कि हमको अब हमारे सिग्नल को, डिजिटल सिग्नल को मॉड्यूलेट करना पड़ेगा हाई फ्रिक्वेंसी कैरियर पर, उसके बाद भी हम उसको ट्रांसमिट कर सकते हैं। जो टेक्निक्स काम में ली जाती है लो फ्रिक्वेंसी डिजिटल सिग्नल को हाई फ्रिक्वेंसी डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए, वो टेक्निक्स है ESK, एम्पलीट्यूड शिफ्ट किंग, फेज शिफ्ट किंग एंड FSK, दैट इज फ्रिक्वेंसी शिफ्ट किंग, आर यूज टू ट्रांसमिट डिजिटल सिग्नल थ्रू फ्री स्पेस। MRE सिग्नलिंग स्कीम्स आर यूज टू ट्रांसमिट मल्टीपल नंबर ऑफ बिट्स। MRE सिग्नलिंग का हम काम में लेते हैं, क्यों काम में लेते हैं, क्योंकि यह ट्रांसमिट मल्टीपल नंबर ऑफ बिट्स, मतलब एक से अधिक बिट्स को एज अ बंच और चंक के रूप में ट्रांसमिट करने के लिए सिग्नलिंग टेक्निक्स काम आती है, एंड विल बी कलेक्टिवली ट्रांसमिटेड इन द स्पेसिफिक एंड विद द स्पेसिफिक ट्वाइस कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द फ्री स्पेस। बाइनरी सिग्नलिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज टू एरे सिग्नल, बाइनरी मतलब दो, और इसलिए इस MRE का अगर मान टू हो जाए तो उसको अपन टू एरे सिग्नलिंग भी कह सकते हैं, आइदर जीरो और वन इज ट्रांसमिटेड एट अ टाइम्स। अब वापस वही चीज़ आ जाती है कि अगर हमारा सिग्नल MFT है, लो फ्रिक्वेंसी है, लो पास सैम्पलिंग की काम की है, तो इसका फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम FM और माइनस FM जो अपन बार बार देख रहे हैं, इसकी फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम को अपन इस प्रकार से भी डिनोट कर सकते हैं, यह भी MFT ही रहेगा, या इस प्रकार से भी अपन इसके रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये अपनी इच्छा की बात है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ये ट्राइंगुलर से रिप्रेजेंट हो या इसी द्वारा हो। यह हमारा लो पास सैम्पलिंग के द्वारा हमको जो सिग्नल मिला है या बेस बैंड सिग्नल है, और ये हमारा बैंड पास सैम्पलिंग है। नाइक्विस्ट रेट जनरली क्या आती है हमारे पास, 2FH/K या ट्वाइस ऑफ FM। जो K है ये एक इंटीजर फैक्टर है, और इस K का मान किसके बराबर आता है, FH/FH-FL। वैसे ये इतने काम की नहीं है हमारे लिए, बट फिर भी हमको नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से अपन इस चीज़ को
देख सकते हैं, ये इसी प्रकार पर एक न्यूमेरिकल है, ऐसा जिसकी हमको कोई रिक्वायरमेंट है नहीं। अब इस टॉपिक के बाद में, ये टॉपिक हमारा ख़त्म होता है डिजिटल सिग्नल्स, डिजिटल मॉड्यूलेशन का हमारा जो भी बेसिस के बारे में, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे हमारे पल्स कोड मॉड्यूलेशन सिस्टम। थैंक यू।